नमस्कार, जूली टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। आज हम चर्चा करेंगे अपराध और सिस्टम के दोस्ती की। क्या सत्ता के संरक्षण में पलते हैं माफिया? कानपुर शूटआउट के बाद से ही ये सवाल एक बार फिर चर्चाओं में है। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब सवालों के घेरे में एक मंत्री जी हैं। कानपुर शूटआउट के पहले दिन से ये बात चर्चा में थी कि सिस्टम के अंदर का ही कोई आदमी है जो विकास दुबे की लगातार मदद कर रहा है। ये सिंडिकेट का एक रूप है जिसमें राजनेता भी हैं, पुलिस वाले भी हैं और अपराधी भी हैं। फिलहाल विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है और अब खड़े हैं ढेर सारे सवाल। शूटआउट, खानपुर शूटआउट के पहले दिन जो सवाल उठा था कि कौन है वो लोग, उसमें अब एक मंत्री जी का नाम आ रहा है जो वहाँ के एसओ थे अनिल तिवारी, वो पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। इन्हीं सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान कौन कौन से हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह और राजनीतिक विश्लेषक संजय सिंह जी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विकास दुबे का मारा जाना, जो एनकाउंटर हुआ है, पुलिस दावा कर रही है कि एनकाउंटर हुआ है, हालांकि इस एनकाउंटर पे भी कई सारे सवाल खड़े हुए जिनके जवाब अभी सामने नहीं आए हैं। और मसला सिर्फ विकास दुबे तक ही सीमित नहीं है। ऐसे बाहुबलियों और माफिया की एक लंबी फहरिस्त है जिन पर आरोप लगता है कि प्रशासन की कृपा उनके ऊपर बरसती रहती है। अभी हाल ही में सरकार ने 25 माफिया की एक लिस्ट निकाली है जिसमें ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, त्रिभुवन सिंह, रफीक अहमद, संजीव महेश्वरी, बबलू श्रीवास्तव, सुभाष ठाकुर जैसे कई नाम है। लेकिन फिर इसी लिस्ट पर सवाल ये उठाता है कि इस लिस्ट में ऐसे कई नाम नहीं है जिन लोगों के ऊपर कई सारे केस दर्ज हैं और उनकी छवि जो है समाज में एक माफिया की बनी हुई है, जैसे बदन सिंह बद्दो, सुनील राठी, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, ऐसे कई नाम जो है इस लिस्ट में नहीं है। यही से सवाल उठता है कि क्या सिस्टम इन माफियाओं के साथ भेदभाव भी करता है। ऐसा इसलिए भी है कि कई बार ऐसे आरोप लगते हैं सरकार पर कि सरकार जो है एक तबके के माफिया के साथ जो है कार्रवाई करती है और कुछ माफियाओं के ऊपर जो है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। सबसे पहले कौन है वो मंत्री जिसके ऊपर विकास दुबे की मदद का आरोप लग रहा है? उस मंत्री जी का भी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है कि उनकी मदद एक मंत्री कर रहे थे जिन्होंने उसे भरोसा दिया था कि वो उसकी उसका एनकाउंटर नहीं होने देंगे, उसे वो सुरक्षित बचा लेंगे, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा, जहाँ पे वो आराम से रहेगा और वहां से अपने गैंग को, अपने कारोबार को ऑपरेट करेगा। ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। कई सारे सवाल हैं, जैसे उठता है कि क्या राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण के हिसाब से माफिया को बर्दाश्त देते हैं, और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि क्या माफिया इतने जरूरी होते हैं कि राजनीतिक दलों की ये मजबूरी बन जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई सारी वजह हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उनमें से कुछ खास वजह ये होती है कि ये बाहुबली जो होते हैं इनके पास अपने इलाके में एक वोट बैंक इनका माना जाता है कि इनके नाम पर या इनके जाति के वजह से, इनके ग्लैमर के वजह से बड़ी संख्या में युवा इनसे जुड़े होते हैं और वो इनके नाम पर इनकी जिस भी दल में ये होते हैं उन दल को समर्थन देना हो, वोट करना हो, या फिर जब ये कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ बाहुबली जो है वो अपनी एक पार्टी बना लेते हैं अलग, और या तो फिर वो निर्दलीय चुनाव में आते हैं और जीतते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो 4 से 5 बार से लगातार विधायक बने हुए हैं, और ये सब कुछ क्या सिर्फ वोट बैंक और सरकार के समर्थन के लिए सिस्टम जो है इनके सामने झुक जाता है? क्योंकि अगर हम कुछ पुरानी बातों को अगर हम दोहराएं तो 90 के दशक में जिस तरीके से अल्पमत सरकारों का दौर था, तब एक नया उभार देखा गया सिस्टम में कि माफियाओं के समर्थन लेने के लिए किसी भी पार्टी के अंदर कोई हिचक नहीं थी। उस समय तकरीबन जिस भी पार्टी की सरकार रही वो लगातार माफियाओं के समर्थन में, कई सारे ऐसे लोग उस उनके सरकारों के मंत्रिमंडल में शामिल होते थे जो जिनके ऊपर बाहुबली होने का तमगा तमगा था।
और वो साल 2 साल उस समय सरकारें चलती थी, फिर सरकार गिरती थी, और जब सरकार दूसरी सरकार दावा पेश करती थी तो यही सारे लोग फिर पार्टी बदल के दूसरी सरकार में शामिल होकर उनको अपना समर्थन दे देते थे, और सरकार चलती थी, ये सिस्टम चलता रहा। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बननी शुरू हुई, जो ट्रेंड देखना शुरू हुआ 2007 के इलेक्शन से, तो एक उम्मीद जगी कि जब पूर्ण बहुमत की सरकारें बन रही हैं तो इन माफियाओं की कोई जरूरत सरकार में नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार में ऐसे लोग लगातार बने रहे, और बल्कि बने हुए हैं अभी भी। और इन तमाम मुद्दों पे हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी उत्कर्ष सिन्हा जी। उत्कर्ष जी, क्या जी, माना है, सिस्टम में रामराज्य है? नहीं देखिए, सिस्टम तो अभी सवालों के घेरे में आ ही चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से विकास दुबे के एपिसोड को अगर हम देखें तो हमें बहुत साफ पता चल जाएगा कि आखिर एक अपराधी पनपता कैसे है, और उसके पनपने के साथ साथ उसको संरक्षण देने वाले लोग कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, वो भी बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो इस सारे मसले पर देखिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी सूर्य प्रताप सिंह जी, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, बेहतर तरीके से सिस्टम को समझते हैं, बेहतर तरीके से सिस्टम के बारे में बताएंगे। और मुझे लगता है कि संदीप की आज की जो बातचीत है उसमें डॉक्टर साहब का बड़ा इनपुट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वो ज्यादा बेहतर इस चीज को बता सकते हैं और हम लोग तो बात करते ही रहेंगे। संदीप जी, सूर्य प्रताप जी, हमारी आवाज जी आप तक आ रही है? जी पहुंच रही है। विकास दुबे के पूरे मामले में करीब करीब सारे पहलुओं से आप परिचित हैं। अब जी एक मंत्री जी की एंट्री होती है इस पूरे प्रकरण में, किसकी एक मंत्री जी का नाम आ रहा है, उनका नाम अभी ओपन जी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक मंत्री जी थे जो उसकी मदद कर रहे थे। मंत्री हैं, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट का भी नाम आ रहा है, एक मंत्री जी का भी नाम आ रहा है सूत्रों के हवाले से। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस सूत्र के हवाले से एक मंत्री जी थे जो उसकी जी मदद कर रहे थे, और भी कई अधिकारी लोग भी थे उसमें, तो क्या कहा जाए? नहीं, माफिया ऐसे तो पनपता नहीं है, ये तो गठजोड़ है ना, एक ये जी पुलिस का, अपराधी का, ब्यूरोक्रेसी का, नेताओं का एक गठजोड़ है ये। गठजोड़ से इतना माफिया पनपता है, 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक ये माफिया पनपा, तो समझते हैं कि अपने बलबूते पनपा है। शेयर किया इसने बाउंटी को, जो कमाया, जो एक्सटॉर्शन किया, जो इधर उधर से पैसा लिया इलीगल, उसको सबके साथ शेयर किया, एक साम्राज्य बनाया उसने। वो साम्राज्य बनाया और उस पे उसने थ्राइव किया साम्राज्य पे, और उसकी इतना, उसके पास बल आ गया, उसके पास धन बल आ गया, बाहुबल है, था उसके पास, बाहुबल भी और डेवलप हो गया, और फिर सत्ता का बल आ गया उसके साथ में, तो वो तो बेलगाम हो गया। इसलिए वो अपराध करता रहा, बार बार छुटता रहा, पैरोल पे जाता रहा, जेल भी जाता था, फिर बेल पे आ जाता था। तो उसको लगा कि उसने सिस्टम को खरीद लिया है, सिस्टम को गुलाम बना लिया है। और इस परिस्थिति में आप समझते हैं कि जब व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को ही उसने खरीद लिया, तो फिर अब उसका, उसको डर नहीं था मेरा बाल बांका कोई करेगा। अंतिम क्षण तक भी वो यही बोलता रहा कि आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। तो सब जानते हैं इसको, आप भी जानते हैं, मैं तो शब्द दे रहा हूँ, आप भी जानते हैं सब चीजों को। और इसमें मिनिस्टर भी होंगे, एक नहीं कई होंगे, विधायक होंगे, एमपी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, हर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होंगे, क्योंकि इसका जो पीआर बॉय है जे वाजपेयी, जो इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण लिंक है, सारे फाइनेंसिस को देखता था, जो ट्रेजरर है, जो किसी भी गैंग का, जो अगर फाइनेंस काट दिया जाता गैंग खत्म हो जाता है, लेकिन अब इसका फाइनेंस जिंदा है, फाइनेंस जिंदा है तो कोई दूसरा विकास दुबे पैदा हो जाएगा उस फाइनेंस पे, क्योंकि वो 2 नंबर का पैसे पे है, गलत पैसा है, गंदा पैसा है, तो उसके बेसिस पे उसको बचाने के लिए उसको धन बल का, साम्राज्य का, सत्ता का संरक्षण उसको लेना पड़ेगा। देखिए ईडी के जांच में आ गया है अब ये, हालांकि ईडी की जांच का मतलब है कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है, मैं इसको उल्टी तरह मानता हूँ कि लंबा चला जाएगा, कोई पकड़ा नहीं जाएगा, छोटी मोटी संपत्ति जब्त होगी तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी यह है कि जो लिंक बचे हुए हैं उन लिंक को अगर समाप्त नहीं करेंगे तो इसी जो साम्राज्य है, जो धन संपत्ति का साम्राज्य है, और बहुत सारे जो
विकास दुबे हैं वो पैदा हो जाएंगे। वो अभी ये आरंभ हुआ है, अभी कोई अंत थोड़े हुआ है। सूर्य प्रताप जी, एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कई सारे लोगों ने ये बात उठाई कि क्या बड़े सिस्टम में शामिल उन बड़े लोगों को बचाने के लिए ये एनकाउंटर कर दिया गया। ये मतलब एनकाउंटर पे सवाल था कि एनकाउंटर फेक है और उसके पीछे वजह ये थी कि सिस्टम में बैठे लोगों को बचाने के लिए ये एनकाउंटर हुआ है और अब कई सारे नाम। हाँ जी बताएं आप अपनी बात कहें। ठीक है, वो नाम तो आएंगे और देखो इसके पीछे क्या अर्थ हो सकता है। आप जानते हैं कि जब आदमी की कहानी जो है उस व्यक्ति के साथ मर जाती है जो उसके पीछे की कहानी है। मेरा सवाल ये था कि जी बिल्कुल जैसा पिछली घटनाओं में होता रहा है। थोड़ा इको आ रहा है वॉइस में। जी बोलिए, अब ठीक है। हमारे साथ संजय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जी, हमारी आवाज आ रही है? संजय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं? संजय सिंह जी, हमारी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। संदीप जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है जी, और शायद उम्मीद है कि आप भी मेरी आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल दुरुस्त आ रही है। संजय सिंह जी, संदीप जी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल दुरुस्त। नमस्कार संजय सिंह जी। जी संजय जी, एक सवाल आपसे था कि क्या राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण के हिसाब से माफिया को बर्दाश्त देते हैं? अपने अपने समीकरण के हिसाब से माफिया को बर्दाश्त देते हैं? देखिएगा, एक चुनाव सुधार पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से और एडीआर के उत्तर प्रदेश के प्रमुख होने के नाते एक लंबे समय से ये राजनीतिक जो पूरा एक परिदृश्य है खासतौर से उत्तर प्रदेश का, इसके साथ में एक लगाव रखा है और जुड़ाव के बाद में राजनीतिक दल समय समय पर राजनेता प्रत्येक अपराधी को कैसे उपयोग करना है और कहाँ उपयोग करना है और किस सीमा तक उपयोग करना है ये उनको रहा है। और राजनीति में अपराधियों को पालने का जो मुझे लगता है कि वो एक उन्होंने एक काम की तरह इसको अपने हिस्से में ले लिया है और राजनेताओं ने, हर दल के राजनेताओं ने अपराधियों को संरक्षण देकर अपनी वसाहत कायम करने के लिए उनका समय समय पर उपयोग करने का जो सिलसिला शुरू किया है वो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। जी संजय जी, ये सवाल दरअसल इसलिए भी उठ रहा है कि अभी विकास दुबे प्रकरण के बाद हाल ही में, संजय जी ये सवाल दरअसल इसलिए भी उठ रहा है कि अभी विकास ने करीब 25 माफिया की एक लिस्ट निकाली है, उसमें कई सारे माफिया हैं लेकिन कई सारे माफिया का नाम नहीं है। तो क्या, क्यों, ये क्या कारण हो सकते हैं, ये हम सूर्य प्रताप जी से भी समझना चाहेंगे। सूर्य प्रताप जी, क्या लगता है क्यों कुछ नामों की मौजूदगी नहीं है उस लिस्ट में? नाम कौन बनाता? दरोगा बनाता है। दरोगा पुलिस सिस्टम के अंदर सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। एसएचओ कहिए, थाना अध्यक्ष कहिए, बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ये टॉप 10 की जो लिस्ट होती है इसमें वस्तुतः 60 नाम होते हैं, कहलाती टॉप 10 है ये। अब क्या कारण था कि विकास दुबे का नाम इस 60 लोगों में भी नहीं था? 10 की बात तो अलग कर छोड़ दीजिए आप। सवाल विकास दुबे का ही नहीं है। हाँ तो मैं दृष्टांत देके बात कर रहा हूँ। जब आता है तो जब आप सब देखिए, थाना अध्यक्ष किसके, आज थाना अध्यक्ष किसके कंट्रोल में? आप समझते हैं एसएसपी कंट्रोल में, आईजी कंट्रोल में, डीआईजी कंट्रोल में? वो नहीं है। वो वहां के लोकल जो लीडर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनका संरक्षण प्राप्त किए हुए, वो जानता है कि ये मुझे बचाएगा, ये मेरी पोस्टिंग कराएगा। और कई कई बार तो ऐसा भी होता है मुख्यमंत्री के सीधे संपर्क में रहते हैं, मंत्रियों के संपर्क में रहते हैं, वो जानते हैं एसएसपी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लिस्ट में अपने मनमाफिक जो लोग हैं जिनसे सौदा नहीं पटा उनका लिस्ट में नाम डाल देते हैं, जिनसे सौदा पट गया वो लिस्ट से बाहर हो गए, चाहे कितने बड़े क्रिमिनल हैं। ये दृष्टांत एक नहीं है, हर जिले के अंदर आप देखेंगे एक विकास दुबे जैसे तो 8-10-15 लोग होंगे जो लिस्ट में नहीं होंगे। ये धोखाधड़ी है, पूरे सिस्टम के साथ धोखाधड़ी हो रही है। कौन देखेगा इसको? सिस्टम के, पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। आप जानते हैं इस बात को? आपको लगता है कि ओवरहॉलिंग का समय बिल्कुल अभी बिल्कुल है और इस समय होना ही चाहिए? भाई लेकिन चाहे कहने के लिए हो रहा हो, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर ये तो कह रहा है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सलाखों के पीछे डालूंगा या जेल में बंद करूंगा, कह तो रहे हैं चाहे करें ना। अब देखिए अपराधी चाहे उनके फोल्ड में आ गए, सत्ता के फोल्ड में, अपराधी तो सत्ता का होता है,
अपराधी विपक्ष का थोड़ी होता है, वो तो झंडा बदलता है, जो भी सत्ता में उसके साथ हो गया। अब मोस्ट ऑफ द अपराधी जो क्यों नहीं पकड़े जाने, क्यों इनकाउंटर नहीं हो रहे भाई? टोटल जो हिस्ट्री सेटर की लिस्ट है उसमें से ज्यादा ज्यादा 10% लोग मारे गए, बाकी के तो सब जिंदा है अभी भी, वो सत्ता के साथ आ गए तो वो नहीं मारे जा रहे हैं। चाहे संगठन बचा रहा हो, एमएलए बचा रहा हो, एमपी बचा रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री कितना ही वेल मीनिंग हो, लेकिन सिस्टम तो वही है ना जो इनहेरिट किया है। लोग तो सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम की विभिन्न कड़ियां हैं महत्वपूर्ण, वो तो बिकी हुई है ना, तो उससे ही काम लेना है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं, या तो सिस्टम को बर्दाश्त किया जाएगा जैसा है, या सिस्टम को अगर थोड़ा हिलाने की कोशिश की गई तो हो सकता है कुर्सी खुद ही चली जाए। इतना प्रभावशाली है वो सिस्टम जिसमें गठजोड़ है, फाइनेंस का, बल का, जो जनबल का, धनबल का जो गठजोड़ है, वो किसी को भी कुर्सी डगमगा सकता है। इसलिए जो भी कर रहा है, जिसको भी करना है, वो स्टेप बाय स्टेप करना होगा। अगर उसने ऐसा अप्रोच लगाया कि जैसे बुल इन द चाइना शॉप, मैं सबको तोड़फोड़ कर देता हूँ, वो संभव नहीं है। जो क्वांटम जंप, जो रेडिकल चेंज की बात करें, वो अभी संभव नहीं है इस राज्य में, इसमें बिहार जैसे राज्य में। यहाँ तो धीमे धीमे चलना पड़ेगा। और अगर आपने एक रेडिकल अप्रोच और क्वांटम जंप अप्रोच, जिसमें कि एकदम सब ठीक कर दूंगा, और जैसे इन्होंने किया है, ठोक दीजिए, मार दीजिए, गोली लगा दी, गोली चला दीजिए, वो सिस्टम को ठीक करने वाला नहीं है, वो शॉर्टकट है। सिस्टम को तो आपको रिफॉर्म करना है, आपको परमानेंट चेंजेस लाने हैं। ये टेम्पररी चेंजेस हैं, आप टहनिया काट रहे हैं, जड़ नहीं काट रहे हैं आप। अगर आप मंत्री को, जो मंत्री संरक्षण दे रहा है, जिसका नाम आ रहा है, उसको ठिकाने लगा दें, मैसेज चला जाएगा, कोई संरक्षण नहीं देगा। एक दो एमएलए एमपी हैं जो संरक्षण दे रहे हैं, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दें। हिम्मत है क्या योगी जी में ये करने की? हिम्मत है क्या बीजेपी के संगठन में ये करने की? जब जय वाजपेयी की फोटो स्वतंत्र देव सिंह के साथ आती है तो कैसे हटाएंगे उसको आप? तो आप कितने अपराधियों की फोटो होंगे, कितने अपराधी आते जाते होंगे। दिक्कत यह है ना कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो वोट का सहारा है, और सिस्टम में बैठे अधिकारियों के लिए वो वित्त का सहारा है, फाइनेंस का सहारा है वो। तो ये काफी समय से पुलिस रिफॉर्म की बात उठाई भी जा रही है जैसा आप बता रहे हैं, और ये बिल्कुल इस वक्त मौजूद भी है। संजय सिंह जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? शायद संजय सिंह जी को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। संजय जी, अगर आवाज आ रही हो तो अपना माइक ऑन करें। सुप्रताप जी, आपसे एक सवालों का सिलसिला तब तक जारी रखते हैं। कुछ समय पहले एक बुलंदशहर में कांड हुआ था, सयाना कांड, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध सिंह जी की हत्या हुई थी, शहीद हुए थे वो। और उस मामले में कहीं कोई एनकाउंटर नहीं होता है, बल्कि जो आरोपी थे जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनका, उनके कार्यकर्ता और समर्थक बड़े जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत कर रहे थे। तो कानपुर प्रकरण और बुलंदशहर प्रकरण क्यों अलग हो जाता है, जबकि मौतें दोनों जगह पुलिस वालों की होती है? अलग दोनों नहीं है, यहां भी पंडित विकास दुबे मारा गया है। वो पंडित के रूप में जाना जाता था, वो वोट बैंक था, ब्राह्मीण वोट बैंक था उस एरिया के अंदर, बिल्कुल, इसलिए उसको संरक्षण था। उधर वोट बैंक कौन है? वो लोग वोट बैंक हैं जिन्होंने सुबोध कुमार सिंह को मारा, इसलिए उनका स्वागत करा गया। धर्म की बात अपनी जगह, धर्म की बात इसलिए नहीं कि दोनों हिंदू थे। सुबोध कुमार सिंह मारा गया, वो मॉब लिंचिंग हुई, वो भी जनता ने मारा, जनता एक गैंग के रूप में सामने आई, जनता के उसमें कुछ लोग थे जो गैंग के रूप में सामने आए, वहां भी गैंग ने सिस्टम को हॉट किया, यहां भी गैंग ने सिस्टम को हॉट किया है। दोनों के पीछे वोट की राजनीति है। वो हिंदू एलिमेंट्स ने जिन्होंने मारा, वो वर्तमान सत्ता के वोट बैंक है, उसको संरक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो खिसक जाएगा हाथ से। बड़े गंभीर आरोप, बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, और हालांकि इन आरोपों के पीछे सच है, इतने आरोप तो है ही नहीं कहीं, ये तो सच्चाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय सिंह जी, एक वक्त था जब पूर्ण बहुमत किसी दल को नहीं मिलता था, तब अल्पमत सरकारें थी, वो अपने समर्थन के लिए जो है बाहुबली विधायकों की जो का समर्थन लेती थी। लेकिन अब जब पिछले 3 टर्म से एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि पूर्ण बहुमत जिस भी दल को मिल रहा है, पूर्ण बहुमत मिल रहा है, फिर क्या मजबूरी हो सकती है कि ये इन दलों के साथ बाहुबली माफिया जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है संदीप कि संजय के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक बात सुन रहा था
और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वोट बैंक की जो बात होती है ना, जो जिस तरह से कल्टिवेट होता है, और बिल्कुल सीधी बात इन्होंने कही जब बुलंदशहर की बात कर रहे थे, तो बुलंदशहर वाले में आप देखिए बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि सुबोध कुमार सिंह की जब हत्या हुई और जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई उनकी, उस मॉब लिंचिंग के बाद जो भी एक्यूज थे उनका क्या हुआ, देखेंगे तो पिक्चर बहुत साफ हो जाएगी। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की थी सुबोध सिंह की, जिनके ऊपर आरोप थे, वो बड़े आराम से छूटे, और ना सिर्फ छूटे बल्कि उनके बाद उनका इस्तकबाल, उनका वेलकम किस तरह से किया गया एज ए हीरो। ये कौन लोग थे, ये कौन लोग थे जो गो रक्षक के नाम पर एक पुलिस अधिकारी को अकेला पकड़ के मार डालते थे? ये वही लोग जो अलग अलग जगहों पर मॉब लिंचिंग कर रहे थे। आपको अगर याद हो तो झारखंड में भी इस तरह का एक केस आया था, और झारखंड में जब निकल के वो अपराधी बाहर आए तो उनका क्या हुआ, सेंट्रल का एक बड़ा मंत्री जयंत सिन्हा जाके उनको माला पहना के आता है। इसके बाद आप देखिए कि जो मॉब लिंचिंग की शुरुआत हुई थी, जहां से पश्चिम उत्तर प्रदेश के नोएडा में इखलाक खान की जो हत्या हुई थी, जो उनके मर्डर एक्यूज थे, जो उनके एक्यूज थे, उनको बाकायदा ऑनर किया गया और उनको जो है सरकारी नौकरी। तो ये बात जो डॉक्टर सिंह कह रहे हैं वो उस बात को समझने वाली है कि आप बड़े आराम से ये देखिए कि वोट बैंक कहाँ है, और ये वोट बैंक ही है। आप देखिए माफिया कहाँ पनपता है, जहां उसका वोटर होता है। विकास दुबे की बात डॉक्टर ने बहुत बढ़िया कही कि वो एक ऐसे इलाके का सरगना था जहां पर उसकी जाति के वोट बहुत अच्छी मात्रा में थे। तो ऐसे ही कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा माफिया, क्योंकि उसको उसके जाति का संरक्षण मिल रहा है। भारतीय समाज का और भारतीय राजनीति का, भारतीय अपराध जगत का जो सबसे बड़ा सच है, जो सबसे घिनौना सच है, वो सच है जातिवाद। और इस जातिवाद के जरिए पार्टियां भी अपने हिसाब से सूटेबल वोट बैंक को सेटिंग करती हैं, और माफिया भी वही पनपता है जहां उसके सजातीय वोट ज्यादा होते हैं। आप इस चीज को देख लीजिए, चाहे तारणसारी का इलाका देखिए, चाहे विजय सिंह की बात करिए, चाहे आप विकास दुबे की बात करिए, वोट और समाज का जो रिश्ता है वही रिश्ता इन माफियाओं के साथ बनता है। जी इस तरह के उदाहरण विकास दुबे और मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह तक सीमित नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, या खासकर अगर बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो आपको तकरीबन हर राज्य में इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे जहां ये एस्टैब्लिश होता हुआ दिखता है कि किस तरीके से सत्ता के संरक्षण में एक बाहुबली उभरता है और फिर वो अपना एक साम्राज्य बनाता है, और अगर उसकी एंट्री मेन लीड पॉलिटिक्स में हो गई तो ठीक, अगर नहीं हो पाती है और जब तक वो जरूरतमंद जरूरी साबित होता रहता है तब तक तो वो रहता है, नहीं तो उसका अंत विकास दुबे की तरह से सामने आता है। ये सिलसिला उम्मीद करते हैं कि थमेगा, जल्द थमेगा, और चूंकि हमारे पास समय इतना ही था तो सूर्य प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उत्कर्ष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जुबली टीवी के साथ, और हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।